नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो मध्य प्रदेश का है, उन्होंने कुछ नए पोस्ट किए हैं। तो जैसे ही किसी भी कॉलेज की या फिर स्कूल की या फिर किसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो आप लोगों के पास पहुँचाना ज़रूरी हो, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ और साथ में इस चैनल के माध्यम से कुछ एजुकेशनल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी 59 मिनट पहले, यानी अभी 11 बजने से 59 मिनट पहले तक अभी एक पोस्ट किया है और यह सीएम के द्वारा भी ट्विटर पर पोस्ट कर दिया गया। लेकिन हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की पोस्ट देखते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। सीएम की ट्वीट करने के बाद हमने इसमें अपडेट देखा है। यहाँ पर लिखा है, स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि पहले ईयर और सेकेंड ईयर को जो है, फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर में और सेकेंड ईयर वालों को फाइनल में पहुँचाया जाएगा। और साथ में अब हम बात करते हैं पीजी की, यानी कि जिनमें फर्स्ट सेम सेकंड सेम भी होता है। तो जो स्नातकोत्तर पीजी में द्वितीय सेमेस्टर वाले हैं, उनको भी उनकी परीक्षाओं के आधार पर अगले सत्र में, अगले सेमेस्टर में भेजा जाएगा। अब यही निर्णय आया था कि इतने में जो स्नातकोत्तर में फाइनल ईयर वाले हैं उनको भी जनरल प्रमोशन चाहिए था, तो उसको लेकर कुछ मीटिंग, कुछ आंदोलन ये सब हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, उनको भी प्रमोशन दिया गया है कि कोरोना संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग एवं तकनीकी महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए उनके गत वर्षों के सेमेस्टर के अंकों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। यह तक तो हमने अभी पढ़ लिया। साथ ही स्नातक अंतिम वर्ष, यानी कि आपका थर्ड ईयर वालों की बात हो गई, और स्नातकोत्तर में सेमेस्टर चलता है अब भी, तो उनके चतुर्थ सेमेस्टर की जिनकी एग्जाम अभी होने वाली थी वो भी पास हो जाएंगे उनके प्रीवियस ईयर में जो भी उनका परफॉर्मेंस था उसके आधार पर। और जो थर्ड ईयर में है, जिसको आप फाइनल ईयर बोलते हैं आपकी भाषा में, उनको भी पूर्व में उनके सेमेस्टर के अंक के आधार पर उनको पास कर दिया जाएगा। यानी कि जिनकी फाइनल ईयर में जो इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले थे उनकी कंप्लीट हो गई है, और जो स्नातकोत्तर में सेकंड ईयर में थे फोर्थ सेम में, उनकी भी मान के चलिए कि उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। लेकिन जो अंतिम वर्ष के आधार पर अपने इन अंकों से खुश नहीं है, उनको अपने अंकों में सुधार करने के लिए ऑफलाइन आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो उनके पास परीक्षा देने का विकल्प रहेगा, वे आगामी घोषित तिथि तक ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। तो यह बिल्कुल सही न्यूज़ है। आप भी अपने फेसबुक पर जाकर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सर्च कर सकते हैं मध्य प्रदेश, तो इसमें आपको एक नया, उनका नया नहीं सॉरी पहले से ही डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन का एक पेज है, इसमें आपको ये ट्वीट पोस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और पहले मैंने ये वाली न्यूज़ आप सभी को बताई थी, है ना, जो बिल्कुल सही थी, आपके एग्ज़ाम जो कैंसिल हुए थे इसके बारे में, और ये वाली न्यूज़ आप लोगों के लिए पहुंचाना इंपॉर्टेंट मैं समझता था, इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो प्रस्तुत किया है। तो इसको अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सब में अधिक से अधिक शेयर कर दो और सबको इस बात की खुशखबरी दे दो, और अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखें और हम जल्द ही इस बीमारी से और इस समस्या से निजात पा लेंगे। आप ऐसी उम्मीद रखिए, ऐसी आशा करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।